हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली कोई भी नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की नई नोटिफिकेशन शुरू करते हैं। आज की नई नोटिफिकेशन जो निकल के आ रही है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCFL की तरफ से, RCFL की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। RCFL की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आई है उसमें दो पोस्ट निकल के आई है, ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी के लिए और दूसरा जूनियर फायरमैन जूनियर ग्रेड टू के लिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दूँ, ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो BSc केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, जो कि डिग्री होना चाहिए। और दूसरा जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ आपके पास NCVT का एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल है। दूसरा क्वालिफिकेशन यदि आपके पास ये नहीं है तो आप उसके साथ दूसरी क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके साथ साथ इसमें मिनिमम परसेंटेज जो क्राइटेरिया है आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए। और यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं CST के, तो आपको 50% में भी काम आपका चल जाएगा। तो चलिए दूसरी क्वालिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा था, दूसरी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म के लिए, उसमें आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है केमिकल इंजीनियरिंग में। उसके साथ आपको इसके साथ आपको 1 ईयर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है। यदि आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि किस किस पोस्ट कोड के लिए ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। जो पोस्ट निकली हुई है, सबसे पहले जो पोस्ट कोड निकला हुआ है, सबसे पहली जो पोस्ट कोड है वो ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग के लिए निकली हुई है, जिसमें 133 वैकेंसी है। इस 133 वैकेंसी को यदि देखा जाए तो यहाँ पर बताया गया है कि 40 अनरिजर्व के लिए हैं, SC के लिए 15 है, ST के लिए 16 है और OBC के लिए 52 है। EWS के लिए 10 वैकेंसीज हैं। और यदि दूसरी वैकेंसी के लिए बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ पे दूसरी वैकेंसी जो निकल के आ रही है वो जूनियर फायरमैन ग्रेड टू के लिए है, जो कि यहाँ पे उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है, लेकिन इसमें अनरिजर्व वैकेंसी 0 है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि इसमें कोई ज़्यादा वैकेंसी निकली होती तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बता देता। तो यदि आप लोग इससे एलिजिबल हैं तो आप इस चीज़ को, क्वालिफिकेशन को पूरा रीड कर सकते हैं। चलिए दूसरी आगे जानकारी आपको मैं बताता हूँ। आगे की जो रिक्वायरमेंट है आपको बता देता हूँ कि रिजर्वेशन जो दिया गया है SC ST से यदि आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। यदि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में चलिए आगे बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ीस 700 रुपीज फी रखी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि जनरल OBC EWS के लिए एप्लीकेबल है। तो यदि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि 700 रुपीज़ लगने वाली है, तो ध्यान से भरिएगा इस फॉर्म को। और SC ST के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। उनके साथ साथ फीमेल कैटेगरी के लिए, महिलाओं के लिए भी कोई इस फॉर्म की फ़ीस नहीं लगेंगी। नेचर ऑफ जॉब के बारे में यदि बात करते हैं, तो इस नेचर ऑफ जॉब इसमें यदि आपको बता दें कि इसमें नाइट शिफ्ट भी आपको काम करना पड़ सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें नाइट शिफ्ट भी काम करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा और फॉर्म भरिएगा। इसके साथ यदि आगे बढ़ते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में यदि बात कर लेते हैं, तो सैलरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग के लिए बात कर लेते हैं। ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल में 1 साल के लिए आपको 1 साल तक 9,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको फिक्स कर दिया जाएगा, 41,888 रुपीज़ आपको ग्रॉस सैलरी मिलने लगेगी। उसके साथ आपका जो पर्क्स अलाउंस होती है चारे, वो सभी आपको मिलेगी। दूसरी जो वैकेंसी है जूनियर फायरमैन ग्रेड टू के लिए, उसमें आपको जो सैलरी निकल के आ रही है 18,000 से 42,000 सैलरी निकल के आ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक पर्क सैलरी है। इसके बाद यदि बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा और ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका एक फाइनल
मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी बेसिस पे आपको रिक्रूटमेंट दिया जाएगा। तो और यदि ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो सिटी सेंटर्स हैं वो मुंबई नागपुर रहेगी। इसके साथ साथ आप यदि आप चाहते हैं कि किस मीडियम में आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो मराठी, राजभाषा, हिंदी और इंग्लिश में आप लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद जो एक और ऑप्शन निकल के आ रहा है, जो कि आपको बताया गया है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस आप लोग को देख लेनी है, जिसमें कि फोटोग्राफ जो है 4.5 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर रहेगा। इसके साथ जो आपका सिग्नेचर रहेगा वो ब्लैक इंक में होना चाहिए। और एक और ध्यान बात में आपको देना है कि सिग्नेचर जो होगा वो कैपिटल लेटर में नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेज रहते हैं। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट जो अपडेट निकल के आ रही है, इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको शेयर कर देता हूँ, जो कि इसकी स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो 14 तारीख से स्टार्ट हो गई है, और इसकी जो फाइनल लास्ट डेट रहेगी वो 28/3/2022 तक रहेगा। तो चलिए जाइए जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए यदि आप लोग इसके लिए इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। तो चलिए आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।